हेलो दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करने सोच रही हैं तो आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्मूदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट में आसानी से ले सकती हैं। इसमें शुगर भी नहीं है, इसमें हनी भी नहीं है, एक नेचुरल स्वीटनेस के साथ ये स्मूदी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, क्या इन्ग्रीडियंट्स लिया है इसको बनाने के लिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बादाम और काजू। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कट किया हुआ पिस्ता, और इसमें अब हम लेंगे 1 बनाना। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कप बना रही हूँ, 1 मग बनाना है तो 1 बनाना लेंगे हम, और अगर आप 2 कप बना रही हैं तो 2 कप बनाना लीजिए, और अगर आपको थिकनेस ज़्यादा पसंद है इसमें तो आप 2 बनाना भी ले सकती हैं। इसको बनाने के लिए मैंने बिल्कुल चिल्ड मिल्क यानी ठंडा फ्रिज किया हुआ दूध लिया है इसे, और इसमें हम डालेंगे चिया सीड। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट इसे दूध में भिगो के रख दिया था, और इसमें 3 चम्मच भर भर के आपको चिया सीड लेने हैं। ये इसमें जो मैंने इसमें 1 बनाना डाला है, इसे इसकी स्वीटनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको फीका फीका लगे तो आप इसमें 1 स्पून हनी ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए कर रही हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप हनी ऐड नहीं करें। फिर इसे मिक्सी में मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, और इसमें इसे डाल के और ऊपर से इसमें आप पिस्ता से या ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकती हैं। कोई चम्मच लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। है ना, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ड्रिंक, ये बहुत टेस्टी होता है, झटपट सा बन जाता है, इसको बनाने में कोई टेंशन भी नहीं है, और इसे पीने के बाद लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है। इस स्मूदी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप वेट लॉस करने सोच रही हैं तो। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा और चैनल